हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड, और यहां पे जानने वाले हैं कि क्लास सिक्स एंट्रेंस के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है और इसे प्रिपेयर करने के लिए कौन से बेस्ट बुक्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। सो ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। अगर आप टाइमली इन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन आप सभी को इन्फॉर्म भी करना चाहूँगा, हमारी तरफ से वेरियस एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रूव, CBSE के अदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपने घर बैठे प्रिपेयर कर सकते हैं विथ रेगुलर लाइव गूगल मीट सेशन। इतना ही नहीं, डाउट सॉल्यूशन क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस ताकि आप रिवाइज कर सकें। एंड बैच स्ट्रेंथ हमारी लिमिटेड होती है, मतलब वन बैच में 20 स्टूडेंट ही होंगे, जिससे पर्सनली ईच एंड एवरी स्टूडेंट पे अटेंशन दिया जा सके। इतना ही नहीं, वीकली टेस्ट एंड सिलेबस कम्प्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉडल टेस्ट पेपर को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न और सिलेबस। तो देखिए, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो यूजुअली जनवरी में होता है, तो हम लोग ये मानकर चल रहे हैं जनवरी 2025 में ये एग्ज़ाम होने वाला है। किस तरीके का होता है, तो देखिए मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो इस अकॉर्डिंग 150 मार्क्स का सिर्फ मैथ्स है, तो आपको मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट को आप नेग्लेक्ट करें, क्योंकि बाकियों का भी इम्पॉर्टेंस है। जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हिसाब से 50 मार्क्स का होगा, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग 50 मार्क्स का होगा, इंटेलिजेंसी जिसे रीजनिंग भी कहा जाता है 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग 50 मार्क्स का होगा। तो ऐसे ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो 125 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, जिसके लिए आपको टोटल जो है वो 300 मार्क्स का पेपर देना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड थिंग, इनकी तरफ से रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम ईच सब्जेक्ट 25% मार्क्स चाहिए और सब मिला कम से कम 40% मार्क्स तो आपको चाहिए ही। मतलब 300 मार्क्स का अगर यहाँ पे पेपर है तो इसका आपको निकालना है 40%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 मार्क्स तो मिनिमम आपके आने ही चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा गांठ बांध कर रखिएगा कि सिर्फ 120 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार की भी अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ तो 80% से प्लस ही कट ऑफ रही है, और कुछ कुछ स्टेट्स लाइक बिहार वगैरह की अगर बात करें तो वहाँ पे 90% प्लस कट ऑफ पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब 270 तक मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं तो ही आप यहाँ पे सिलेक्ट हो पाएंगे, अनलेस सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखकर प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रिपेयर क्या करना है, सिलेबस पे बात कर लेते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स का सिलेबस, नेचुरल नंबर, LCM HCF, यूनिटरी मेथड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, रेशो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट है, लाइंस एंड एंगल्स है, सर्कल है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, रोमन नंबर्स है, टाइप ऑफ एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर हैं, प्लेन फिगर्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, डेसिमल नंबर पे होंगे, स्पीड एंड टाइम पे होंगे, फ्रैक्शंस पे होंगे, ऑपरेशन ऑन नंबर्स पे होंगे, टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड अरेंजिंग ऑफ फिगर्स पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके सिलेबस का 50% पार्ट रखता है। देन रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में जनरली एनालॉगी, चाहे वो मैथमेटिकल या वर्बल हो, पैटर्न हो, ठीक है, क्लासिफिकेशन हो, विजुअल लॉजिकल रीजनिंग होगी, जिसमें ब्लड रिलेशन भी आता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी आता है, सीरीज़ भी आती है, कोडिंग भी आती है, एनालॉगी क्लासिफिकेशन भी आता है, मिरर इमेज वगैरह भी आते हैं, पेपर कटिंग वगैरह भी आता है। तो कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिलेबस में सिर्फ इतना ही मेंशन किया है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब,
क्वेश्चन बनाना, काइंड ऑफ नाउन्स हो जाएंगे, सेंटेंस को कैसे ऑर्डर करते हैं, सिनोनिम्स हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, जेंडर नाउन एंड जेंडर होता है, फिर सिंगुलर प्लुरल हो गया, प्रेपोजिशन है, वर्ब है, टाइप ऑफ सेंटेंस है, काइंड ऑफ प्रोनाउन है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, एडजेक्टिव है, कलेक्टिव नाउन है, एडवर्ब है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे, आर्टिकल्स है, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है, टेंस हो जाएंगे, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, इंटरजेक्शन है, नंबर है एंड राइमिंग वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ा सिलेबस होता है जनरल नॉलेज का, क्यों होता है? तो देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइस और उनका डेली लाइफ में यूज़, आइकन्स एंड सिंबल ऑफ इंडिया, जहाँ पे जितने भी इंसिग्निया है या फिर नेशनल एम्बलम है, स्पोर्ट्स रिलेटेड है, एनिमल वगैरह है, वो सारा होगा। मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया होगा। इसके अलावा आपको रिलीजियस बुक्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन वगैरह है, वो याद रखने। आर्ट एंड कल्चर में म्यूज़िक, डांस, ड्रामा हो जाएंगे। फिर रिनोन्ड पर्सनैलिटीज़ हो जाएंगे। फिर डिफेंस सेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर स्पोर्ट्स एंड गेम्स रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो पता होना चाहिए। सुपर सेंस है, रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स है, टेस्ट एंड डाइजेशन है, कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक्स हो जाएंगे, जर्मिनेशन है, सीड डिस्पर्जल है, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है, एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर इन डेली लाइफ हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन एंड माइक्रोबियल डिजीज हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटेन टेरेन एंड वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा होता है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, कहाँ पे हैं, किसने बनाया था, शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हो जाएंगे जिसमें बेसिकली फॉसिल फ्यूल के बारे में आप पढ़ेंगे, फूड एंड कल्चरल हैबिट हो जाएगा, फिर यंग वंस एंड डिफरेंट एनिमल्स हो जाएंगे, फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड प्लांट्स देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UN हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वो पढ़ना पड़ेगा, इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल पर्सनैलिटीज हो जाएगा, फिर लिटरेरी एंड कल्चरल अवार्ड हो जाएंगे जो कि बेसिकली करंट अफेयर्स में आ जाएगा, नेचुरल कैलामिटीज़ हैं लाइक फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह, एवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड वाटर साइकिल रिलेटेड क्वेश्चन होगा, लाइफ ऑफ अ फार्मर होगा, फार्मिंग टेक्निक्स होंगे, फिर ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये इतना बड़ा सिलेबस आपके साथ यहाँ पे अवेलेबल है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर, जब इतना बड़ा सिलेबस ही आपने बता दिया तो प्रिपेयर कैसे करें, कुछ हेल्पफुल बुक्स बता दीजिए। तो ये दो बुक मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट केस सूट करता है। पहला तो यहाँ पे है अरिहंत पब्लिकेशन का सैनिक स्कूल 2025 के लिए एक रिवाइज एडिशन है जिसमें आप ये चारों सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। और सिर्फ लर्न करने से थोड़ी ना होगा, प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल किया गया है, वहाँ से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आप सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, आपको क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, तो हम ऑलवेज आपके साथ अवेलेबल हैं। 7737653468 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।